Hi beautifuls, I hope you all are doing great and I am Sharmishtha and you are watching my channel Asian Beauty Sharmishtha. आज का वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे सुचिस्मिता चौधरी ने रिक्वेस्ट किया है. ये मेरा पिटारा है बॉडी शॉप का. चलिए फिर शुरू करते हैं. ये बॉडी शॉप का बनाना शैम्पू है एंड दिस इज एक्सेलेंट शैम्पू फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ड्राई फ्रिजी हेयर्स. अगर आपके हेयर ड्राई फ्रिजी है तो आप इस शैम्पू को यूज कीजिए. बाय द वे दिस माय थर्ड बॉटल. मेरा सेकेंड बॉटल अभी भी हाफ हो गया है. वैसे पहले भी मैंने एक बॉटल यूज करके खत्म कर दिया तो दिस इज माई थर्ड बॉटल. तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा होगा ये शैम्पू. मैं जनरली एक शैम्पू पे इतने ज़्यादा दिन स्टिक नहीं करती हूँ. आई ऑफन चेंज माई शैम्पू रूटीन. और इससे पहले मैंने ब्रिटिश रोज कलेक्शन, वो पिंक नहीं रेडिश करके एक है, वो वाला यूज़ किया था. उसका स्मेल, सीरियसली दैट स्मेल सो गुड. इतना अच्छा स्मेल था उसका. आप वो वाला भी ट्राई कर सकते हो. लेकिन जो है मेरे पास वो है द बॉडी शॉप सी विड ऑयल बैलेंसिंग क्ले मास्क. ये क्ले मास्क आप देख सकते हो, मैंने इसे दो तीन बार यूज किया है. आई लव क्ले मार्क्स. ऐसे तो मैं घर के बनाए हुए मार्क्स बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, पर बॉडी शॉप का ये क्ले मार्क्स भी बहुत हर्बल है. आपके जो फेस में सीबम सिक्रेशन होता है उसको बहुत कंट्रोल करेगा और एक अच्छा रिजल्ट भी आपको मिल सकता है अगर आप यूज करते हो. थर्ड जो चीज है वो मैंने ऑलरेडी अपने पिम्पल रिमूवल वीडियो में दिखाया है, दैट इज द टी ट्री जेल ऑफ बॉडी शॉप. आप टी ट्री ऑयल भी खरीद सकते हो बॉडी शॉप का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टी ट्री ऑयल था तो इसलिए मैंने बॉडी शॉप का वो नहीं खरीदा था. तो अभी ये टी ट्री ऑयल खत्म होने के बाद मैं उसको जरूर ट्राई करूंगी. अगर आपको चाहिए कुछ ब्लिमिशेस हटाने के लिए पिंपल से ज्यादा तो आप ये वाला लीजिए. अगर आप पिंपल्स पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तो आप वो टी ट्री ऑयल लीजिए. फोर्थ जो चीज है उसका क्रेज अभी सबसे ज्यादा है बॉडी शॉप के कलेक्शन में, तो ये है वो विटामिन ई ओवरनाइट सीरम इन ऑयल. ये है विटामिन ई सीरम ऑयल जिसे आप लगाओ अपने फेस पे, पर सिर्फ मत लगाना, किसी मॉइस्चराइजर के साथ यूज कीजिएगा. मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो कर चुकी हूँ ग्लो सीरम. तो ग्लो सीरम में मैंने ये यूज किया था और अभी भी मैं वो यूज करती हूँ एंड सच में बोलूँ बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे इससे. तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिए और ग्लो सीरम बनाइए घर में और लगाइए. ग्लो सीरम बनाने का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप वो काइंडली चेक कर लीजिए. फिफ्थ प्रोडक्ट है सनस्क्रीन. आई लव सनस्क्रीन. मैं घर के बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी अगर मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया हो. मैं एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन बहुत दिनों से ढूंढ रही थी तो मुझे ये मिल गया फाइनली. जिनके ऑयली स्किन है या फिर जो लोग बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं उनके लिए जेल सनस्क्रीन प्रेफरेबल है, बट आई लव दिस वन. और दोज हु हैव ड्राई स्किन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन टू देम. ये थोड़ा सा थिक है, मैं दिखा देती हूँ आपको. ये देखिए ये थोड़ा सा थिक है इसलिए आपके मॉइस्चराइजर का भी काम ये करेगा, पर ये स्टिकी नहीं है. दिस इज नॉट स्टिकी लाइक अदर सनस्क्रीन आर. और इसका स्मेल पूरा विटामिन सी का स्मेल है, लाइक संतरे का या फिर नींबू का दोनों मिला के जो स्मेल निकलता है वो है वैसा स्मेल है इसका. इसमें SPF 30 है. मैंने जो होममेड फाउंडेशन का वीडियो बनाया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी. मैं भी मैंने इसी को यूज किया है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये दी बॉडी शॉप का बॉडी बटर. और ये वाला है स्मोकी पॉपी. ये बहुत ही अच्छा है. इट क्लेम्स 24 आवर हाइड्रेशन, पर मुझे नहीं लगता 24 आवर्स हाइड्रेशन ये देता है, बट समथिंग अराउंड 12 to 15 आवर्स दे देता है. मे बी बिकॉज कि मैं इतने ठंडे जगह में हूँ इसलिए तो शायद मुझे 24 आवर हाइड्रेशन नहीं मिलता है, पर अगर ये एशियन कंट्रीज में होगा तो ज़रूर मिल जाएगा. और इसका स्मेल बहुत अच्छा है. अगर आपको लोग एक बॉडी बटर खरीदने का सोच रहे हैं तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हो. द लास्ट प्रोडक्ट इज द बॉडी शॉप विटामिन ई मॉइस्चराइजर क्रीम. और मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं क्या बोलूं. मैं थोड़ा सा लेके आपको दिखा रही हूँ. ये आपकी स्किन को इतना हाइड्रेटेड करता है और एट द सेम टाइम इतने अच्छे से आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके एब्जॉर्ब हो जाता है. एकदम चिपचिपा नहीं है ये. दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑल स्किन टाइप. मेरा खुद का सेंसिटिव स्किन है पर मुझे ये बहुत पसंद है. मेरे स्किन में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, मुझे बहुत अच्छा ग्लो भी देता है. आई होप आप लोगों को मेरा ये
छोटा सा दी बॉडी शॉप का हॉल एंड रिव्यू अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो फिर ज़रूर लाइक कीजिए, और आप किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो मैं करूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो लिख के बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब बटन नीचे है रेड में, उसे क्लिक कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्या पता ये रिव्यूज़ किसी और के भी काम आ जाए। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस।